हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल keys90.com, जहां पर हम जयपुर के ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको बताते हैं और उनको डिटेल में रिव्यू करते हैं। सो, आज एक बार फिर हम ज्वेल ऑफ इंडिया पे हैं और यहां के 4 BHK अपार्टमेंट को आज हम रिव्यू करने वाले हैं। इन आर लास्ट वीडियो वी रिव्यूड 5 BHK अपार्टमेंट, उसका भी एक लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगर आप 5 बेडरूम अपार्टमेंट का डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उस लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए मैं आज आपको लेकर चलता हूँ 4 BHK अपार्टमेंट, लॉबी से लेकर फ्लैट तक कैसा दिखता है और क्या क्या फीचर्स हैं, आइए। फ्रेंड्स, अभी हम जी ब्लॉक की ग्राउंड फ्लोर की लॉबी के बाहर खड़े हैं, राइट। मैं थोड़ा क्विकली आपको यहाँ के स्ट्रक्चर के बारे में समझा देता हूँ। देर आर 8 टावर्स, 8 में से देर आर 3 टावर्स जिसमें सारे 5 बेडरूम हैं, और देर आर 5 टावर्स जिसके अंदर सारे 4 बेडरूम अपार्टमेंट हैं। एक फ्लोर पे 2 ही फ्लैट है और ग्राउंड प्लस 13 फ्लोर की बिल्डिंग है। सभी का ग्राउंड फ्लोर सेम है, एयर कंडीशन लिफ्ट लॉबी है विद प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट और प्रॉपर विद टावर मैनेजर के साथ, CCTV सर्विलियंस के साथ एंड प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ। यहाँ पर 3 लिफ्ट दी गई हैं, राइट, एंड लिफ्ट रन थ्रू अ बायोमेट्रिक कार्ड्स के थ्रू लिफ्ट रन करती है। आइए मैं आपको लिफ्ट लॉबी के अंदर पहले लेके चलता हूँ, देन विल गो टू द अपार्टमेंट। ऑपरेशनल है, राइट, और फेज़ 2 बहुत जल्दी प्लानिंग में आने वाला है, बहुत जल्दी सॉफ्ट लॉन्च एंड प्री लॉन्च होने वाला है, राइट। अगर हम फेज़ 1 की बात करें तो टोटल वी हैव 212 अपार्टमेंट्स, जिसका अगर हम ब्रेकअप की बात करें वी हैव 8 टावर्स, 8 टावर्स में से देर आर 3 टावर्स जिसके अंदर सारे 5 BHK अपार्टमेंट्स हैं एंड देर आर 5 टावर्स जिसके अंदर सारे 4 BHK अपार्टमेंट हैं। यहाँ की प्लानिंग को समझना बहुत ईजी है क्योंकि यहाँ पर टिपिकल लेआउट्स हैं, 5 BHK का सिमिलर लेआउट है, 4 BHK भी सारे सिमिलर, देर इज नो यू नो डिफरेंट लेआउट जो आपको कंफ्यूज करें, ऐसे यहाँ पर लेआउट नहीं, यहाँ पर सारे टिपिकल लेआउट्स हैं। अगर 4 बेडरूम अपार्टमेंट्स की हम बात करें तो उसका टिपिकल एरिया इज अराउंड 3,850-3,870 स्क्वायर फीट प्लस माइनस, थोड़ा बहुत फ्लोर टू फ्लोर वेरी करता है, राइट। अगर 4 BHK की मैं आपको डिटेलिंग में जाऊँ तो डिटेलिंग के अंदर देर आर 4 रूम के अलावा एक सर्वेंट रूम है, इन सब में अटैच टॉयलेट है, राइट। उसके अलावा एक किचन है, किचन पूरा मॉड्यूलर विद ओवरहेड कैबिनेट दे रहे हैं एक्सेप्ट अप्लायंसेस। अगर रूम्स की प्लानिंग की बात करें तो इन 5 रूम्स को अलग अलग नाम दिए गए हैं। द फर्स्ट वन इज गेस्ट रूम, उसके बाद एक पेरेंट्स रूम है, एक किड्स रूम है और एक मास्टर बेडरूम है, राइट। जो पेरेंट्स रूम है एंड जो मास्टर बेडरूम है उनके बाथरूम साइजेस बहुत ग्रैंड साइज के दिए हैं, राइट, और बाकी 2 रूम के एवरेज साइज के बाथरूम हैं। अगर आप फ्लोरिंग की बात करेंगे तो ऑल ओवर इटालियन मार्बल यूज हुआ है एक्सेप्ट 2 रूम्स और किचन के अलावा और बैल्कनीज के अलावा। फॉल सीलिंग पूरे फ्लैट के अंदर की गई है, एयर कंडीशनिंग पूरे फ्लैट के अंदर ऑलरेडी VRV के थ्रू करके दी जा रही है। इसके अलावा 25 लीटर्स तक के गीजर ऑलरेडी फिटेड है। आपको सिर्फ अपना मूवेबल फर्नीचर लेकर आना है, अदरवाइज यहाँ पर सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बिल्डर की तरफ से देने की कोशिश की गई है। फ्लैट के अलावा अगर हम कॉमन एमिनिटीज की बात करें तो मेरे हिसाब से जयपुर में इतनी खूबसूरत, इतनी लग्जरी, इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एमिनिटीज आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ का जो क्लब हाउस है दैट इज स्प्रेड ओवर 40,000 स्क्वायर फीट, राइट, जिसके अंदर यू नेम इट वो सारी एमिनिटीज आपको मिलेगी विद प्रॉपर फंक्शनिंग, विद प्रॉपर ट्रेनर, हर चीज़ बहुत
एक प्रॉपर फॉर्म में यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा इफ यू टॉक अबाउट द ओपन एरिया, देर इज एम्पल ओपन एरिया विच इज 65% ओपन एरिया, राइट। देर आर टू बेसमेंट पार्किंग, और अगर आप वॉकिंग पाथ, वॉकिंग ट्रैक, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। सिक्योरिटी यहाँ पर जो सबसे बेस्ट पार्ट जूल ऑफ इंडिया का है, दैट इज द सिक्योरिटी। मेन एंट्रेंस से लेकर आपके अपार्टमेंट तक जाने तक देर आर 3-4 लेयर सिक्योरिटी, तो देर इज नो चांस ऑफ एनी यू नो एनी मिस हैपनिंग और एनी अदर थिंग हियर। So friends, without wasting time, चलिए आपको लेके चलते हैं अपार्टमेंट में। कैसा दिखता है वहाँ से, कैसा आता है, कैसी बैल्कनीज, कैसे बाथरूम, कैसे रूम्स और कैसा ड्राइंग एंड डाइनिंग के लिए। सो फ्रेंड्स, अभी हम लिफ्ट के अंदर हैं, राइट। अगर आप कोविड की वजह से अगर आप देखेंगे कितने प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक टूथपिक्स रखे हुए हैं, राइट। सो अगर लिफ्ट के बटन को प्रेस करना है, छोटा सा डस्टबिन दिया। जैसे आप एंटर करेंगे, एट द लेफ्ट हैंड साइड इज अ पाउडर रूम विद प्रॉपर काउंटर ऑफ इटालियन, राइट। और यहाँ पर एक WC दी गई है, कोई भी गेस्ट वगैरह आपके आते हैं तो दिस इज द कॉमन टॉयलेट जो यूज में आ सकता है। इसके जस्ट बाद में अगर आप देखेंगे, दिस इज द गेस्ट रूम। सो जैसा मैंने आपको बताया था, 4 बेडरूम का जो यहाँ पे ब्रेकअप है, 1 गेस्ट रूम, राइट, 1 किड्स रूम, 1 पेरेंट्स रूम एंड 1 मास्टर बेडरूम। तो ये गेस्ट रूम है जिसका साइज काफी डिटेली लाइक 13x15 के आसपास का इसका साइज है। एंड जो बेसिक स्पेसिफिकेशन बिल्डर की तरफ से दी जा रही है वो ये है कि पूरे फ्लैट के अंदर वार्डरोब, मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, डेकोरेटिव लाइट्स और VRV एयर कंडीशनिंग, उसके अलावा गीजर। फ्रेंड्स, ये बाथरूम है जो गेस्ट रूम के साथ में है। ग्लास शावर पार्टीशन, WC, वैनिटी काउंटर, अ लार्ज मिरर, बाथरूम एक्सेसरीज एंड 1 स्लाइडिंग वार्डरोब। सो गेस्ट रूम में देयर इज एक्सेस टू बालकनी आल्सो। दिस इज द बालकनी एंड दिस इज द ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम द बालकनी। ये सामने क्लब हाउस की बिल्डिंग है, राइट। ये जो राइट लेफ्ट साइड में जो आप पूरा एक एम्प्टी एरिया देख रहे हैं, दिस इज द लैंड जहाँ पर सेकंड फेज आने वाला है, राइट। सो जितना बड़ा एरिया फर्स्ट फेज का है, उतना का उतना एक एम्पल लैंड यहाँ पर है फॉर सेकंड फेज। बहुत जल्दी सेकंड फेज की भी बुकिंग स्टार्ट होने वाली है, राइट। और ये व्यू है बालकनी से। अगर आप बालकनी की लेंथ देखेंगे तो इट इज़ अ वेरी लॉन्ग बालकनी, आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं बालकनी के अंदर। एंड द ग्रेट थिंग इज के ज्वेल ऑफ इंडिया में चाहे 4 बेडरूम अपार्टमेंट लें या 5 बेडरूम, दोनों साइड बैल्कनी मिलेगी और अपार्टमेंट आर मिनिमम 2 साइडेड ओपन। सो जैसे ये फ्रंट साइड की बैल्कनी है तो मैं आपको यहां दिखाता हूं, बैक साइड में भी बैल्कनी मिलेगी, राइट। सो एक बैक साइड बैल्कनी और ये ज्वाइंट डाइनिंग एरिया है। वो जो फ्रंट वाली बैल्कनी थी वो कंटिन्यूशन में इसको और आगे वाले रूम्स को भी कवर करती है। सो दिस इज योर ज्वाइंट डाइनिंग एरिया। ड्राइंग डाइनिंग के साथ में जैसे पूजा रूम और पूजा रूम के साथ में देयर इज अ किचन। सो फ्रेंड्स, अभी हम हैं किचन के अंदर, राइट, जो कि फीमेल्स का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट उनकी लाइफ का एक पार्ट होता है, राइट। तो किचन को काफी स्पेशियस यहाँ पर बनाया गया है। सो दिस इज द स्लैब एंड द काउंटर एट द किचन। ओवरहेड कैबिनेट्स और नीचे का जो सारा वुडन वर्क आप देख रहे हैं, ये सारा मॉड्यूलर ऑलरेडी बिल्डर ने करके दिया। यहाँ पर चिमनी के लिए स्पेस दिया गया है, राइट। अप्लायंसेस लगा के नहीं दिए जा रहे हैं,
राइट। तो एक तो ये फ्रंट काउंटर हो गया जहाँ पर आपका मेन जो हॉप चिमनी वाला एरिया है, देन दिस इज द बैक साइड काउंटर जहाँ पर भी बहुत अच्छी स्टोरेज दी गई है, एक स्लैब यहाँ पर भी बना के दिया गया है, देन देयर इज अ टॉल यूनिट। सो सारे अप्लायंसेस रखने के लिए पूरी टॉल यूनिट यहाँ पर है, प्लस जो आपके माइक्रोवेव होगी जिससे रिलेटेड जो आपके बर्तन होते हैं उसके लिए यहाँ पर एक स्टोरेज स्पेस ऊपर और नीचे दोनों तरफ। किचन के साथ में एक यूटिलिटी एरिया भी यहाँ पर दिया जा रहा है। ये यूटिलिटी एरिया है राइट, एंड दिस इज द आउटडोर यूनिट ऑफ वीआरवी। जो पूरे फ्लैट के अंदर वीआरवी सिस्टम लगा हुआ है उसके सिंगल आउटडोर यूनिट यहाँ पर रखी गई है, और ये वाला जो एरिया है दिस इज द सर्वेंट रूम, और यहाँ पर सर्वेंट रुक सकता है, और सर्वेंट के लिए दिस इज द बाथरूम एंड अटैच टॉयलेट। सो जो लेफ्ट साइड वाली जो बैल्कनीज है जो फ्लैट के फ्रंट साइड में आती है वो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ राइट। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो बैक साइड वाली बैल्कनी है। अगेन देयर इज अ ह्यूज बैल्कनी, बहुत बड़े साइज की बैल्कनी बैक साइड में भी दी गई है, और यहाँ से आप ये वाला व्यू देख सकते हैं। पूरी ग्रीन वॉल्स यहाँ पर डेवलप की गई है, थ्री लेयर गार्डनिंग यहाँ पर वॉल्स के अंदर दिखाई गई है, प्लस देर आर सम वाटर बॉडीज जो कि थोड़े थोड़े डिस्टेंसेस पे है। सो बैक साइड वाली बैल्कनी के बाद नाउ आई विल टेक यू टू थ्री रूम्स जो भी हमारे बैलेंस है इस फ्लैट के अंदर देखना। सबसे पहले ये जो रूम है दिस इज किड्स रूम, दिस रूम इज पेरेंट्स रूम, एंड दिस रूम इज मास्टर बेडरूम। तो आइए पहले किड्स रूम देखते हैं। किड्स रूम में और पेरेंट्स रूम में वुडन फ्लोरिंग यूज की गई है राइट, जिसमें देयर आर टू काइंड ऑफ शेड जो बिल्डर ने ऑप्शन दिए हैं राइट। यहाँ पर भी फॉल्स सीलिंग, एयर कंडीशनिंग, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर भी मिलेगी। इसके अलावा दीज आर वार्डरोब स्पेसेस एंड दिस इज अटैच्ड। और जो गेस्ट रूम का है उसकी सिमिलर ही है राइट। द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पर जो टॉयलेट दिया गया है, जो अटैच बाथरूम दिया गया है वो बहुत ग्रैंड साइज का दिया है राइट, और उनकी नीड को ध्यान में रखते हुए शावर एरिया एंड टॉयलेट एरिया दोनों को सेपरेट बनाया गया है यहाँ पर, और दोनों में ग्लास डोर्स ऑलरेडी लगा के दिए गए हैं। उसके अलावा दिस इज अ ह्यूज मिरर वैनिटी काउंटर जिसके ऊपर इटालियन स्लैब लगा हुआ है, एम्पल स्टोरेज यहाँ पर भी दिया गया है, और मेरे बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी वार्डरोब ऑलरेडी यहाँ पर बना के दी गई है। तो आपको अपने रूम का कोई भी स्पेस खराब करने की जरूरत नहीं है, इस रूम के अंदर बहुत सारी स्टोरेज स्पेस है, और ना सिर्फ इसी रूम में, हर रूम के अंदर जो वार्डरोब स्पेस और जो स्टोरेज स्पेस है वो बहुत वेल प्लान्ड है, वो अलग से ही बना के दी गई है, उसमें आपका कहीं भी रूम का एरिया खराब नहीं होगा। सो फ्रेंड्स अब हम पहुंच गए हैं मास्टर बेडरूम राइट। इस पूरे फ्लैट का जो सबसे ब्यूटीफुल सबसे स्पेशियस जो रूम है वो मास्टर बेडरूम है राइट। एक बैल्कनी भी मास्टर बेडरूम के साथ है, उसके अलावा वेरी गुड स्पेस, पूरा प्लान वे में मास्टर बेडरूम बनाया गया है। इन कॉर्नर्स को आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं अपने काउचेस या फिर सोफा सेटिंग के हिसाब से। ये सामने स्पेस दिया गया है फॉर योर एलईडी और जो भी आप डार्क स्क्रीन यहाँ पर लगाना चाहें वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। दिस इज द स्पेस फॉर योर किंग साइज बेड। जितना बड़ा मास्टर बेडरूम है उसी के हिसाब से जो मास्टर बाथ है, जो मास्टर टॉयलेट है वो भी बहुत स्पेशल है। सो सबसे पहले मास्टर बाथ के अंदर दिस इज द एरिया फॉर योर ड्रेसिंग, ये पूरा स्टोरेज स्पेस यहां पर बनाया गया है। दीज आर दी वार्डरोब, एक फैमिली में जो एक कपल होता है जो सबसे बड़ा जो मास्टर कपल होता है उसके हिसाब से बहुत एम्पल स्टोरेज यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए
एंड ड्रेसिंग एंड स्टोरेज स्पेस के बाद यहाँ पर दिस इज द बाथरूम राइट। इतना ग्रैंड बाथरूम मैंने जयपुर के किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं देखा राइट, चाहे कितना ही एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट या फिर कितने एक्सपेंसिव फ्लैट क्यों ना हो राइट। ये जो सारी फ्लोरिंग आप देख रहे हैं वॉल पे और फ्लोर्स पे, ये सारा इटालियन मार्बल है। इसके अलावा देयर इज अ बाथटब जो यहाँ पर इस मास्टर बेडरूम में या बाथरूम में दिया जा रहा है। इसके अलावा अ ग्रैंड साइज वैनिटी काउंटर, जिसका जो काउंटर टॉप है वो भी इटालियन मार्बल का एक ब्राउन शेप के अंदर यहाँ पर लगाया गया है, और उसके ऊपर अ लार्ज साइज ऑफ मिरर। जो यहाँ की सारी सीपीएम सैनिटरी फिटिंग इस फ्लैट के अंदर यूज हुई है, ज्वेल ऑफ इंडिया की चाहे आप 4 बेडरूम ले 5 बेडरूम ले, सारी बहुत लग्जरी एंड प्रीमियम क्लास की यहाँ पर यूज हुई है। सारे हार्डवेयर जो भी आप डोर हैंडल्स आप देखेंगे या फिर जितना भी फर्नीचर यहाँ पर यूज हुआ है, इसके अंदर जो हार्डवेयर यूज हुआ है दैट इज वेरी गुड इन क्वालिटी। सो मास्टर बेडरूम और मास्टर टॉयलेट के बाद मैं आपको यहाँ से बालकनी का कैसा व्यू आता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। So this is the grand balcony again. First room से लेकर last room तक पूरी connected है। A long balcony, ये front side है और almost इसकी half back side वाली balcony है। और आप view देखेंगे तो जबरदस्त view है। आप Jewel of India के अंदर किसी भी apartment में आप चले जाइए, किसी भी random apartment में जाएंगे आपको बहुत गजब का view मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर landscaping and greenery बहुत अच्छी की गई है इस project के अंदर। सो फ्रेंड्स, पूरा अपार्टमेंट मैंने आपको छोटे बड़ी सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करके आपको दिखा दी है। मैं क्विकली समराइज कर देता हूँ। 4 BHK अपार्टमेंट अभी हमने देखा है, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 3870 स्क्वायर फीट सुपर बेटअप एरिया राइट, जिसके अंदर 4 बेडरूम है, 1 सर्वेंट रूम है, सबके साथ अटैच टॉयलेट दिया जा रहा है। इसके अलावा 1 पाउडर रूम है फॉर कॉमन पर्पज। सारी जितनी भी चीज़ें जो भी मटेरियल यहाँ पर यूज हुआ है, एवरी मटेरियल इज वेरी ब्रांडेड, चाहे आप फ्लोरिंग की बात करें, चाहे आप बाथरूम फिटिंग्स की बात करें, एयर कंडीशनिंग की बात करें, हर चीज़ में कोई ना कोई अच्छा ब्रांड यहाँ पर यूज हुआ है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब आप ये जानना चाहेंगे कि इसका प्राइस कितना है। सो यहाँ पर जो प्राइस अभी चल रहा है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 3.5 to 3.8 करोड़, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सेल के किस तरीके के फ्लैट में आप जा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे फ्लैट सोल्ड आउट है। तो जो अपार्टमेंट अवेलेबल है, मोस्ट ऑफ द अपार्टमेंट आर इन रीसेल, सो रीसेल में देयर इज नो फिक्स प्राइस, बट हाँ देयर आर सम वेरिएबल प्राइसेस जिसमें यहाँ पर अभी भी मिल सकती है। फ्रेंड्स, वीडियो खत्म करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे कि ज्वेल ऑफ इंडिया का जो फेज वन है वो बहुत सक्सेसफुल रहा है, यहाँ ये लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस रही है जयपुर में, ऐसा कोई और प्रोजेक्ट नहीं है। सो जैसा मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया था कि द अनदर फेज इज अंडर प्लानिंग, जो बहुत जल्दी सेकेंड फेज भी हम लोग लेकर आने वाले हैं। सो अगर किसी भी रीजन से आप फर्स्ट फेज में यहाँ पर फ्लैट नहीं ले पाए तो आप सेकंड फेज में फ्लैट ले सकते हैं, बहुत जल्दी हम उसकी प्री लॉन्च सॉफ्ट लॉन्च स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपका कोई भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है तो वो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पे अभी हमें बता सकते हैं, तो वी विल नोट डाउन योर क्वेरी राइट। इसके अलावा जो सेकंड फेज आएगा वो बहुत और बेटर प्लानिंग के साथ आएगा, तो जो छोटी मोटी कमियाँ अगर फेज वन में रह गई होगी तो वी ट्राई टू कवर इन फेज टू। सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि जयपुर के मोस्ट ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट्स, मोस्ट ट्रेंडिंग लोकेशन, फ्यूचर डेवलपमेंट और कई ऐसी रियल स्टेट की इंटरेस्टिंग बातें हम अपने इस चैनल पर रेगुलरली लेकर आते हैं। थैंक यू सो मच।